ओपन करने वाली हूँ ये बॉक्स, क्योंकि मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है। तो बिना देरी करते हुए मैं इसे अनबॉक्स कर देती हूँ। एज आई नो कि जब वीडियो में लेट होता है तो वॉचिंग कस्टमर को कितना इरिटेट हो जाता है, तो मैं बिना देरी करते हुए सभी वीडियोस बिना फालतू की बातें किए अनबॉक्स कर देती हूँ। हर वीडियो में आपको मोस्टली ऐसा ही मिलेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड मेरे जो चैनल पे नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड इस वीडियो को मैं अनबॉक्स कर चुकी हूँ इस प्रोडक्ट को, तो मैं जल्दी से आपको बिना देरी करते हुए दिखा देती हूँ इसके अंदर क्या है। इसके अंदर हमको मिलता है एक ये फेशियल का प्रोडक्ट, ये है 5-in-1 ब्यूटी केयर मसाजर। तो ये प्रोडक्ट है, एंड जो मेन थिंग मैंने मंगाई है, ये मैंने मंगाया है न्यूट्रीग्लो का वाइन फेशियल किट फॉर ब्लेमिश फ्री फेयर कॉम्प्लेक्शन, 6 steps टू ब्यूटीफुल स्किन। इसमें जो 6 steps रहेंगे वो क्लींजर रहेगा, स्क्रब रहेगा, जेल रहेगा, क्रीम रहेगा, पैक रहेगा एंड सीरम रहेगा। तो इसे भी मैं अनबॉक्स करके आपको अभी दिखा देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका MRP आपको ये तो बता देती हूँ, जो कि MRP है वो 700 है, बट इसे मैंने ऑनलाइन मंगाया है तो ये मुझे काफ़ी सस्ता मिला है, काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मुझे इसमें मिला है। तो जो इसका प्रोडक्ट का लिंक रहेगा वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो एंड ये जो इसके साथ मसाजर है, ये इसके साथ फ्री आया है इस फेशियल किट के साथ। तो आप देख सकते हैं इसमें मुझे एक मैनुअल किट मिली है जिसमें मुझे पता रहेगा कि इसमें क्या क्या है, इस मसाजर में क्या क्या यूज़ है। इसमें इन्होंने हमें थैंक्स बोला है न्यूट्रीग्लो की तरफ से, ये मुझे मिला है। आप देख सकते हैं इन्होंने लिखा है, हाय डियर वी थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, एंड मतलब हमें थैंक्स बोल रहे हैं। ये आपको थम्स अप मिलता है इसके साथ, एंड इस प्रोडक्ट में हमको ये मिल जाता है। काफ़ी अच्छा तरह से इन्होंने पैक किया हुआ है इसको, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है ये पैकिंग। आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट्स, ये जो पैकिंग है ये प्रोडक्ट्स मैं अभी आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। तो इसमें सबसे पहले step 1 इसमें देख लेते हैं एक बार, डीप क्लींजर है ये स्टेप, काफी पिंकिश टाइप में ये शेड सी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये देखिए आप, क्लींजर इस तरह से रहेगा, इसमें कुछ लिटिल लिटिल से आपको दाने मिल जाएंगे, रेड, ब्लू, येलो। तो ये क्लींजर है, यू कैन सी, तो ये इस तरह से रहेगा। साथ के साथ मैं इसे बंद करती जाती हूँ एंड आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ ले चलती हूँ। इसमें जो सेकंड स्टेप रहेगा वो एक्सफोलिएटिंग स्क्रब रहेगा, इसको भी मैं बिना देरी करते हुए ओपन कर लेती हूँ। एंड ये काफी दानेदार है तो मैं इसे देख लेती हूँ, काफी जैसे स्क्रब्स रहते हैं दानेदार वैसा ही है ये। ये भी पिंकिश शेड में ही है, काफी अच्छी फ्रेग्रेंस है इन प्रोडक्ट्स में, यू कैन सी कैन चेक इट। अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं एंड आप मंगाना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगी, आप मंगा सकते हैं। न्यूरिशिंग जेल है ये 3rd step, एंड ये भी पिंकी शेड में है। ये सभी प्रोडक्ट्स पिंकी शेड में ही हैं, आप देख सकते हैं इसके अंदर भी सेम ही फ्रेग्रेंस है। ये जेल है, 3rd step रहेगा ये, इनको कैसे यूज करना है सब कुछ आपको इसके साथ एक गाइड मिलेगी, किट मिलेगी, डायरी मिलेगी, उसके उसमें आप देख के इनको अप्लाई कर सकते हैं। वैसे भी जब इसे कोई मंगाता है तो उसे फेशियल करना आता होता है तभी कोई इसे मंगाता है, एंड अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर हैं तो इसके साथ आपको गाइड मिल जाएगी। एंड इसमें जो 4th step रहेगा ये व्हाइटनिंग क्रीम रहेगी, तो उस गाइड के थ्रू जैसे जो डायरी रहेगी उसमें आप देख के आराम से इजीली फेशियल घर बैठे कर सकते हैं। ये काफी सॉफ्ट लुक में है, कुछ दरदरा नहीं है, फेशियल क्रीम है ये, step 4 है, ये भी पिंकिश शेड में है। तो मुझे जहां तक लग रहा है इस फेशियल को करने के बाद फेस काफी ज्यादा पिंकिश होने वाला है, काफी ग्लो आने वाला है फेस पे। एंड इसमें जो 5th step है ये रहेगा फिल्मिंग मास्क पैक,
स्टेप 5। तो ये भी निट्री ग्लो की तरफ से ही है पूरी किट। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये मैंने निट्री ग्लो के साइड से ही मंगाया है। एंड इसमें जो ये फेस पैक है, काफी अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी, थोड़े बाकी प्रोडक्ट से थोड़ी डिफरेंट है। ये लास्ट स्टेप है इसका, तो मुझे तो ये फेस पैक काफी अच्छा लग रहा है इसकी फ्रेग्रेंस से, इसके देखने से इसको मुझे तो काफी ठीक लग रहा है इसका। ये लास्ट स्टेप है एंड इसके बाद इसमें ये सीरम आ जाता है, सबसे लास्ट में इसको लगाते हैं तो बिल्कुल फिनिश हो जाता है हमारे सारे स्टेप्स। तो न्यूट्री ग्लो की तरफ से ये सीरम है स्टेप 6 में, रॉयल टच इससे मिलता है, रॉयल टच ही इसका नाम है न्यूट्री ग्लो का जो ये वाला हमने मंगाया है। तो इसमें जो सीरम यूज करने का तरीका होता है नॉर्मल होता है, 2-4 इसमें ड्रॉप्स लेनी होती है, उसको रब करना होता है एंड फेस पे टैप करके इसको लगाना होता है। बाकी जो भी रहेगा आप इसके जो इसके साथ हमारा पूरा गाइड आती है, इसके में भी इसके बॉक्स पे भी कुछ लिखा हो, इसके बॉक्स पे तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। इसमें इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि दिस पैक कंटेन डीप क्लींजर स्क्रब जेल क्रीम पैक सीरम, सबके ग्राम्स लिखे हुए हैं, 50-50 ग्राम आपको ईच मिल जाता है। जो सीरम रहेगा वो 10 ml का रहेगा एंड जो नेट कंटेंट है वो 250 ग्राम का है एंड प्लस 10 ml। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है तो आप मंगा सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये जो पूरा आपको 2 pack मिल जाते हैं, तो इसमें आपको बताया गया है कि ये जो स्क्रबर है कैसे यूज करना है, आपको इसको भी मैं अनबॉक्स करके आपको दिखा देती हूँ। तो इस प्रोडक्ट में हमें 5-in-1 मिल जाता है, 5-in-1 ब्यूटी केयर मसाजर है ये। इसको इसमें सेल लगा के इलेक्ट्रिसिटी से करना है, इसमें सेल लगा के आप इस बटन को अगर ऑन करते हैं तो ये रोटेट होता है एंड देन आप इसे फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। जो इसका स्क्रबर वाला रहेगा, ये स्क्रबर वाला आपको फेस पे यूज नहीं करना होता है, काफी दरदरा होता है ये, तो फेस खराब होने का डर रहता है, जैसे आपके ये कोनी हो गई या कुछ भी और घुटने हो गए या कोई और एड़ी वगैरह हो गई, तो आप इस चीज़ से उसको कर सकते हैं। बाकी ये जो सभी हैं ये फेस के लिए होते हैं, स्क्रब आप कर सकते हैं एंड और मसाज कर सकते हैं, आप अपनी फेस की इसे मसाज कर सकते हैं, स्क्रब कर सकते हैं, फिर आप फेशियल पैक लगा रहे हैं या और भी बाकी काम है तो आप इनके सहायता से कर सकते हैं। इसमें काफ़ी आपको फॉर्म्स मिल जाते हैं, एक इस टाइप का फॉर्म आपको मिलेगा, सॉफ्ट में रहेगा ये थोड़ा फॉर्म टाइप में रहेगा, ये आपको ब्रश में मिल जाता है, क्लिनजिंग आप इससे इजीली कर सकते हैं एंड ये मसाजर रहेगा एंड ये मैं आपको बता चुकी हूँ स्क्रबर है ये, काफ़ी जो सॉफ्ट इसके हार्ड स्किन होती है उसके लिए ये यूज़ होता है। तो एक बार आप पहले आराम से पढ़ के तभी इसको यूज़ कीजिएगा एंड काफ़ी अच्छा है ये। तो अगर आप भी ऐसे ही किसी प्रोडक्ट के लिए देख रहे हैं तो आप इसे मंगा सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दूंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अभी के लिए धन्यवाद इस वीडियो के लिए, आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।